हे गाइस नमस्कार, जूलिए वेलकम टू कैट्स हिमाचल स्टडीज। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 27, दैट इज पार्ट 3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कांगड़ा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। और हिमाचल प्रदेश जीके पढ़ने के लिए आप चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू करें। एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कांगड़ा में आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 25 पढ़े, क्योंकि उसमें पार्ट 1 हमने कवर किया, उसके बाद 26 पार्ट 2, एंड दिस इज चैप्टर नंबर 27 और इसमें हम कवर करेंगे पार्ट 3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल कांगड़ा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सॉइल वेरिएशन की। तो कांगड़ा की जो सॉइल है, बेसिकली इट वेरीज फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले और कांगड़ा टी। नेक्स्ट इज कांगड़ा टी। तो कांगड़ा टी का कांगड़ा की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और पहले भी था और अभी भी है। तो ब्लैक टी और ग्रीन टी जो है वो कांगड़ा वैली में प्रोड्यूस की जा रही है कब से, राइट फ्रॉम द मिड ऑफ 19th century। ठीक है, कांगड़ा और कांगड़ा टी को ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला है। ठीक है, स्टेटस मिला है कब, 2005 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है। चंबारू माल को 2009 में मिला था, इसे GI टैग कब मिला था, कांगड़ा टी को 2005 में। तो आपको जितने भी हिमाचल प्रदेश में जितने भी जिन जिन कह सकते कि जिन प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, उन सभी की लिस्ट आपके पास होने चाहिए, और किस ईयर में उन्हें मिला है GI टैग वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांगड़ा में जो चाय की जो शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई, मिड ऑफ द 19th century कह रहे हैं, तो इसलिए 1849 में सबसे पहले जो टी गार्डन्स चाय के बगीचे खरीदे गए थे, एस्टेब्लिश किए गए थे, देवर एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिटिश एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, कब, 1849 में। तो ब्रिटिश एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स को क्रेडिट दिया जाता है कांगड़ा में टी कल्टीवेशन को शुरू करने का। और टी जिसका जो नेम है आपको पता ही है, इसे कैमेलिया सिनेंसिस कहा जाता है, बॉटनिकल नेम। और टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है, बीर में लगाई गई है, जो बैजनाथ के पास है। और टी प्लांटेशन सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल सोसाइटी की स्थापना की गई कहां पर, पालमपुर में। और साथ ही साथ एक टी फार्म एस्टेब्लिश की गई है पालमपुर में, कब, 1939 में। और 1880s में देखें तो कांगड़ा टी को सबसे बेस्ट सुपीरियर चाय का उसे टैग मिला था। एंड कांगड़ा टी को कहां कहां खरीदा जाता था, काबुल और सेंट्रल एशिया में खरीदा जाता था। ठीक है, और 1882 में जो कांगड़ा गैजेट, डिस्ट्रिक्ट गैजेट है, उसने कांगड़ा टी को का जो है उसे वर्णन किया था एक सुपीरियर क्वालिटी की चाय, जो भारत के अन्य भागों में पैदा होने वाली जो चाय थी उसके कंपैरिजन में सबसे सुपीरियर माने जाती थी कांगड़ा टी। ठीक है, और 1886 में इसे गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, कहां पर, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, एक पहली लंदन में हुई थी 1886 में, वहां पर इसे गोल्ड मेडल मिला। और उसके बाद 1895 में इसे सिल्वर मेडल मिला इंटरनेशनल कन्वेंशन में, जो कहां पर हुई थी, एम्स्टरडेम में हुई थी। ठीक है, तो लेकिन 1905 में आपको पता है कि भूकंप आया था। ठीक है, 4 अप्रैल 1905, तो उस समय अर्थक्वेक में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, और उसी का ही प्रभाव चाय की खेती पर भी पड़ा। तो मैक्सिमम जो टी गार्डन्स थे वो जो है उस समय डिस्ट्रॉय हो गए थे, सारी जो फैक्ट्रीज हैं और बहुत सी उसमें लोगों की जान भी चली गई थी। तो इस वजह से मैक्सिमम ब्रिटिशर्स ने जो ये टी प्लांटेशन थी उन्होंने बेच दिया और वहां से वो एरिया छोड़ के चले गए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर फार्म की। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हॉर्टिकल्चर फार्म पालमपुर में एस्टेब्लिश की गई थी 1936 में, और सेरिकल्चर को भी यहां पे बढ़ावा मिला है। तो यूनिबोल्टिन और मल्टी बोल्टिन ये सभी जो है सिल्क है, तो ये कांगड़ा में ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, सिल्क की वेरायटी है। और यूनिबोल्टिन को सुपीरियर माना जाता है एज कम्पेरिजन टू मल्टी बोल्टिन, एंड और इसकी जो पैदावार है वो कांगड़ा में होती है। और सिल्क स्टेशन यदि कांगड़ा में दिखे तो नगरोटा में सिल्क स्टेशन है, पालमपुर में भी है और शाहपुर में भी है। और नूरपुर सिल्क यूनिट जो है ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, एज एन इम्पॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन यूनिट के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि यदि आप देखें 1963 में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के अंडर था, और क्योंकि 1 नवंबर 1996 में ये हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिकल्चर। तो कांगड़ा में एपिकल्चर को भी काफी बढ़ावा मिला है। तो गवर्नमेंट बी फार्म है, ठीक है, मधुमक्खी जो पालन है, तो गवर्नमेंट बी फार्म एस्टेब्लिश की गई नगरोटा में 1936 में। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है और प्लेस आपको याद रखना है, ईयर एंड प्लेस। एनिमल हस्बेंड्री को भी बढ़ावा मिला है, और मुर्रा बुफेलो की जो है स्पीशीज है, रैमबुलेट, रशियन रैमबुलेट जो है, स्पेनिश मरीनो, आर शीप स्पीसीज जो कांगड़ा में पाई जाती है। ठीक है, भेड़ों की जो आगे नस्लें हैं रैमबुलेट और स्पेनिश मेरिनो, तो ये आपको याद रखना है, रैमबुलेट और स्पेनिश मेरिनो किसकी वैरायटी है, स्पीशीज है भेड़ की,
मिल्क सप्लाई स्कीम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चलाई गई थी 1973 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस समय जो है चिलिंग सेंटर्स बनाए गए थे दगवार में, दरकोटा, कोटला और सरारी में, ठीक है। और उसके बाद कांगड़ा चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी मिल्क सप्लाई स्कीम चलाई गई थी, और ये कब चलाई गई थी, 1978 में। तो ये भी आपको याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कांगड़ा में 1973 में मिल्क सप्लाई स्कीम चली थी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चंबा में कब चली थी, ठीक है। तो आपको ईयर्स आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स। तो कांगड़ा के सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स में जो नाम आता है वो आता है स्लेट का, लाइमस्टोन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, सैंडस्टोन, बजरी एंड आयरन एंड कोल, ठीक है। अगर हम स्लेट्स की बात करें तो स्लेट आपको पता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि अब जब मॉडर्न जमाना देखें तो मॉडर्न में तो चलो अब पक्के घर बना रहे हैं, लेंटर पड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो है चादरों का यूज किया जा रहा है रूफिंग में, बट पुराने समय में अभी स्टिल यदि हम देखें तो बेसिकली जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा आपको स्लेट्स के घर मिलेंगे। तो स्लेट्स को एज ए चीफ जो है मटेरियल होता था, एज रूफिंग के लिए यूज होता था हिमाचल प्रदेश में। तो स्लेट की जो खाने हैं उनकी कहां खुदाई की जाती थी, खनियारा में, खरली, कांगड़ा के खनियारा, खरली, जिया, चचोना, चचोआना, कंधारी, धर्मकोट, धर्मकोट तो आपको पता ही है बागसुनाथ जो जगह है, धर्मकोट, बागसुनाथ, ये दोनों, और थत्री, खरेती, नरवाना। तो ये सभी स्लेट माइनिंग जो है ये सभी स्लेट माइनिंग के क्षेत्र हैं जिनमें जो माइनिंग है, माइनिंग लगभग 1880 के दशकों में ये शुरू हो गई थी। तो पहले ये सभी माइनिंग के एरियाज लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है पंचायतों से ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनसे ले लेते थे, और क्योंकि पंचायत के पास पहले मिनरल राइट्स होते थे, और लेकिन उसके बाद फिर पंचायतों से गवर्नमेंट जो मिनरल्स के ऊपर राइट्स है वो गवर्नमेंट ने ले लिए। और तो इसलिए क्योंकि मैक्सिमम जो एरिया है माइनिंग एरिया वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर ही आता है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट से आपको अनुमति लेनी जरूरी होती है, क्योंकि अंडर द एक्ट, किस एक्ट के अंदर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत, ताकि जो फॉरेस्ट लैंड को जो है आप नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए उसे जो है डाइवर्ट कर सको, ठीक है, इसके अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन एक इंपॉर्टेंट मिनरल है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और धर्मकोट में लाइमस्टोन के डिपॉजिट्स पाए गए हैं। धर्मकोट को लिटिल इसराइल भी कहा जाता है ड्यू टू इसराइली ओरिजिन के लोग वहां पे सबसे ज्यादा, इसलिए इसे लिटिल इसराइल कहा जाता है। मैकलियोडगंज में भी लाइमस्टोन है जिस जो बेसिकली कंप्राइज करता है, पिंक कलर का है, डार्क ग्रे भी है, डोलोमाइटिक लाइमस्टोन भी है और शेल्स भी है, ठीक है। तो टोटल अगर एस्टिमेशन देखें हम रिजर्व्स की, तो लगभग 19 मिलियन टन्स जो है पिंक लाइमस्टोन मिलियन रिजर्व्स जो है, टोटल लाइमस्टोन रिजर्व्स हैं, उसमें से पिंक लाइमस्टोन रिजर्व्स देखें तो लगभग तकरीबन 1 मिलियन टन है, और ग्रे लाइमस्टोन के कितने हैं, 1.5 मिलियन टन्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस की खोज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में ज्वालामुखी क्षेत्र में की गई है, और ड्रिलिंग स्टार्ट की गई थी लगभग 1955 और 56 के समय, ये जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये शुरू किया गया था, और इसमें उन्होंने हेल्प ली थी किसकी, सोवियत एक्सपर्ट्स की। एंड लेकिन कुछ भी ऐसे अभी तक रिजल्ट्स जो है, जो पॉजिटिव रिजल्ट है, वो अभी तक नहीं मिले हैं, बट बहुत बार जो है टाइम जो है वेल्स हैव बीन ड्रिल्ड टू डेप्थ ऑफ, तो लगभग देख लीजिए आप कितने डेप्थ तक जो है कुंक खुदाई की गई, 6500 मीटर, ठीक है। लेकिन अभी तक जो सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट है वो अभी तक नहीं मिल पाए हैं, तो हो सकता है कि सुपर ड्रिलिंग मशीन्स का यदि यूज करें तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले। ज्वालामुखी से लगभग 10 किलोमीटर दूर सुरानी जगह पर भी जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस की खोज की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरन एंड कोल। तो आयरन एंड कोल भी कांगड़ा में पाए जाते हैं, और कांगड़ा में लगभग आयरन कोल की एक बैंड विड्थ ऑफ लगभग 20 मीटर इज एक्सपोज, कहां से कहां तक, फॉर अबाउट 2500 मीटर तक, ठीक है, इतनी लेंथ है उसकी, इसकी विड्थ 20 मीटर है, और ये कहां से कहां तक पाई गई है, मुल्तान टू कोटिहार तक, ठीक है, इसके बीच में। और इस मैग्नेसाइट कंटेंट इसमें अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5% to 10%, और लिग्नेटिक कोल डिपॉजिट्स भी पाए गए हैं, कहां से, देरा गोपीपुर में और नूरपुर वाले क्षेत्र में जो है लिग्नेटिक जो कोल है उसके उसकी भी खोज की गई है, बट ये जो डिपॉजिट्स हैं ये ज्यादा स्मॉल हैं, तो इनको जो है प्रॉपर इनकी एक्सट्रक्शन नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धूप मेकिंग इंडस्ट्रीज। तो कांगड़ा में धूप मेकिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, तो ये कहां पर है, हम कहते हैं ये मेन कांगड़ा में है और ज्वालामुखी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक इंडस्ट्री। तो लैक एक नेचुरल रेजिन होता है, ठीक है, जो सिक्रेट किया जाता है बाय द इंसेक्ट्स, एंड एक बहुत वैल्यूएबल, हाईली वैल्यूएबल नेचुरल प्रोडक्ट होता है, जिसका यूज बेसिकली लैक का यूज किया जाता है आपके जो फूड इंडस्ट्रीज होती है, फर्नीचर इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स में एंड फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। और इसकी बहुत काफी इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी काफी डिमांड रहती है।
तो इंडिया को देखें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लैक है, और यदि हम हिमाचल प्रदेश में बात करें तो नूरपुर देहरा गोपीपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में तो वहां पर लैक इंडस्ट्रीज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कत्था मेकिंग इंडस्ट्री, तो कत्था मेकिंग इंडस्ट्री भी कांगड़ा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कत्था बेसिकली ये खैर जो पेड़ है उससे निकलता है कत्था, ये कांगड़ा में इसकी भी जो इंडस्ट्रीज है। पश्मीना फ्लोरल शॉल्स तो ये नूरपुर में है, तो नूरपुर आपको जैसे कि हमने पहले बताया कि 1963 में नूरपुर में ही सिल्क यूनिट की स्थापना की गई थी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, और नूरपुर इज बेसिकली मेजर सेंटर है फॉर पश्मीना फ्लोरल शॉल्स, ठीक है, वीविंग के लिए। और पश्मीना फ्लोरल शॉल्स का जो आगमन हुआ कहां से हुआ, वो तिब्बत से हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बैजनाथ और शाहपुर जो जागीरें थी दोनों, ठीक है, ये रियासतों के रूप में नहीं बल्कि जागीरों के रूप में इस पर राजाओं ने राज किया था, तो इनके इतिहास पर प्रकाश डालते थे। बैजनाथ की सबसे पहले स्थापना एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ठीक है, और बाद में जागीर बना, और बैजनाथ का ही पुराना नाम क्या था, किरग्राम था। और ये किरग्राम नाम क्यों आया, क्योंकि ये जो कीरज ऑफ कश्मीर के जो कीरज थे उसी के उन्हीं से ये ड्राइव किया गया नाम किरग्राम, और इसी को ही वैद्यनाथ भी कहा जाता है, वैद्यनाथ जो लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस कहा जाता है जिन्हें। तो राजा लक्ष्मणचंद्र यहां के सबसे पहले किंग माने जाते हैं 1200 एडी में, ठीक है। और बैजनाथ जगह इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे जो पुराना प्राचीन जो बैद्यनाथ टेम्पल है वो भी यहां पर है, जो दैट इज रिलेटेड टू रावणा से जो संबंधित है, ठीक है, लॉर्ड शिवा एंड रावणा। तो रावण ने जब माना जाता है कि वैद्यनाथ टेम्पल में ही रावण ने मेडिटेशन की थी, तो हिमाचल प्रदेश में दशहरा मनाया जाता है, तो दशहरा में बैजनाथ एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर रावण का दहन नहीं होता है, क्योंकि और वैद्यनाथ टेम्पल की ये मान्यता है कि इसे पांडवों के द्वारा बनाया गया था, और बैजनाथ जो टाउन है लगभग 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, धर्मशाला से, और इसी प्राचीन मंदिर वैद्यनाथ के नाम से ही इस टाउन का नाम पड़ा है बैजनाथ। और जो बैजनाथ गांव है वो जो रिवर जो आपकी बिनवा नदी है जिसको बिंदुका भी कहा जाता है उस नदी के ये दाएं किनारे पर है, और ये यही नदी आगे किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है कांगड़ा में। और इस टेम्पल की का निर्माण जो है 1204 ईस्वी में नगर स्टाइल में किया गया है, और इस मंदिर में वैद्यनाथ मंदिर में जो स्वयंभू शिवलिंग है, ठीक है, वो यहां पर स्थापित किया गया है। और जो एक कहानी इसके बारे में जो मान्यता है कि त्रेता युग में रावण ने जब भगवान शिव की तपस्या की थी कि ताकि उसे जो है इनविंसिबल पावर्स, ताकि कोई उसे हरा ना सके, तो कैलाश में उन्होंने भक्ति की थी, तो उस समय उन्होंने शिव भगवान को अपने 10 के 10 सिर वो जो है उनका दान करने के लिए वो तैयार हो गए थे हवनकुंड में। तो इससे जो है भगवान शिव बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्हें सभी के सभी जो 10 सिर थे वो रिस्टोर कर दिए रावण को, और उसके बाद उसे ये भी आशीर्वाद दिया कि जितने भी जो इनविजिबिलिटी की जो पावर्स है वो आपको दे देता हूं मैं, आशीर्वाद दिया ये, ठीक है, और वो अमर होने का अमरतव भी, ठीक है। तो जैसे ही ये इस तरह की जो एक शक्तियां भगवान शिव से उन्हें मिली, ठीक है, आशीर्वाद फलस्वरूप, तो उसके बाद रावण ने ये भी रिक्वेस्ट की भगवान शिव से कि आप मेरे साथ लंका चलिए, ठीक है, तो क्योंकि और इसके लिए शिव ने अपने आप को शिवलिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उन्हें रावण को उससे पहले ये भी कहा कि कहीं पे भी इस शिवलिंग को तुमने नहीं रखना है, जमीन पर नहीं रखना है, ठीक है, आप क्योंकि यदि तुम जहां पर भी इसे मुझे रखोगे शिवलिंग की फॉर्म में तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा, ठीक है। अब फिर कैलाश से रावण जो है दक्षिण की ओर चलते हुए वो लंका की ओर चल पड़े, और जैसे वो बैजनाथ जगह पर पहुंचे तो वहां पे उन्हें गणेश भगवान जो एक एक चरभाए के रूप में वो मिले उन्हें, और रावण ने उनसे पानी के लिए पानी मांगा, तो गणेश ने जो है उस समय जो लॉर्ड ऑफ सी को कहा कि भाई एक छोटे से पॉट में आप जो है बर्तन में आप जो है फिल हो जाए, और उसके बाद वो पानी उन्होंने रावण को दिया, ठीक है। तो जैसे ही रावण ने, अब सोचिए पूरा समुद्र भर उन्होंने पानी पी लिया, तो उसके बाद रावण को यू नो ही हैज टू अटेंड द नेचर कॉल्स। तो उसके बाद इसके लिए उन्होंने वो जो शिवलिंग था वो गणेश भगवान को सौंप दिया, और उसके बाद गणेश जी ने वो उस शिवलिंग को वहां पर धरती पर रख दिया, और इस तरह से वो शिवलिंग जो है वहां पर स्थापित हो गया अर्धनारीश्वर की फॉर्म में। अर्धनारीश्वर मीन्स इन द फॉर्म गॉड, इन द फॉर्म हाफ मेल एंड हाफ फीमेल, ठीक है, अर्धनारीश्वर। तो उसके बाद फिर दशहरा यहां पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, क्योंकि दशहरा में जनरली लंका का दहन होता है और रावण का पुतला जलाया जाता है, तो ये स्थान जो है रावण से ही संबंधित है, तो इसलिए यहां पे दशहरा नहीं माना जाता। और ये भी माना जाता है कि यहां पे किसी भी सुनार की दुकान नहीं है, तो शायद ये हो सकता है क्योंकि रावण की जो सोने की लंका थी वो जलाई गई थी हनुमान जी के द्वारा, तो उस रिस्पेक्ट में कि यहां पे इसी तरह से यहां पे गोल्ड स्मिथ की कोई भी दुकान नहीं है।
और बैजनाथ मंदिर को दो दो जो है भाइयों के द्वारा बनाया गया था, मनयुका और अयुका के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो 1204 ईस्वी में, क्योंकि वो लॉर्ड वैद्यनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, तो इसलिए लॉर्ड वैद्यनाथ के नाम पे बैजनाथ पड़ा। और ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिस्ट है अलेक्जेंडर कनिंगम फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, तो उन्होंने यहां पर एक इंस्क्रिप्शन को भी नोट किया जो 1786 ईस्वी के आसपास की है, जिसमें ये रेफर किया गया है कि इसकी जो रेनोवेशन है, इसका जो पूर्ण जो उद्धार है वो किसने किसके द्वारा किया गया था, राजा संसारचंद द्वितीय के द्वारा किया गया था। और ऐसी एक इंस्क्रिप्शन जो है वैद्यनाथ के दरवाजे वुडन डोर्स के ऊपर भी एक जो है लिखा गया है, जिसमें जो इंस्क्रिप्शन मिली है जो दैट इज डेटेड अबाउट संवत 1840, जो लगभग 1783 ईस्वी के आसपास की है, तो जो लगभग आपके संसारचंद के समय के शासनकाल से ही मिलती जुलती है। तो इसका मतलब कि कनिंगम की जो डेट है कि वो कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि 1783 क्योंकि 1775 ईस्वी में आप देखिए कि 10 साल की उम्र में राजा संसारचंद कांगड़ा के राजा बन गए थे, और ये वही राजा थे जिन्होंने लगभग 166 साल बाद जहांगीर का जब कब्जा हुआ था पहले, उससे पहले 1620 ईस्वी में, तो उसके बाद 166 साल बाद जो कांगड़ा किला है वो दोबारा से पुनः कटोच राजाओं के अधीन ही आया, तो जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर फाइनली 4 अप्रैल 1905 ईस्वी को जो भूकंप आया था कांगड़ा में, तो उससे ये मंदिर भी प्रभावित हुआ था, और इससे इसका जो प्रभाव पड़ा भूकंप का इसके ऊपर, तो जीपेश वोगल के द्वारा नोटिस किया गया था, और उसके बाद इसे रिपेयर भी कर दिया गया, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो हम देखें तो बैजनाथ टेम्पल एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, और बोलते हैं, लेकिन जो बाकी जो पूजा पाठ यहाँ पे होता है एंड रिटूल्स जो भी है अंडर लोकल बोर्ड का बोर्ड के अंतर्गत ही होते हैं, विद जिसमें बैजनाथ के जो सब के एसडीएम उसके चेयरमैन हैं, और हेरिडिटरी प्रीस्ट जो यहाँ के हैं वो इस जो जो भी ऑफरिंग्स होती हैं तो उसमें उनका उनका भी शेयर होता है। चलिए, ये था बैजनाथ का इतिहास। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाहपुर जागीर। तो शाहपुर भी एक जागीर के रूप में शामिल थी। तो शाहपुर की स्थापना बेसिकली शाहजहां के द्वारा ही की गई थी 1650 ईस्वी में, और उसके बाद इसे राजा जगत सिंह के छोटे भाई राजा जगत सिंह के छोटे बेटे बाहू सिंह को दे दी गई थी, ठीक है। आप याद कीजिए राजा जगत सिंह, नूरपुर के राजा जगत सिंह के बेटे बाहू सिंह, ठीक है, एच जागीर। तो यहां पर टेम्पल्स देखें हम तो बाबा भरो टेम्पल तिलंग वजीर एट खाबरा धौलाधार रेंज में है, माता अटला देवी टेम्पल दरीनी में है जिसकी स्थापना रानी शारदा के द्वारा की गई थी, ठीक है, जो चरहट की मदर थी, ठीक है, चरहट सिंह जो चंबा के राजा थे उनकी मदर ने मदर के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा डॉल्स। तो कांगड़ा डॉल्स जो क्ले से बनती है तो इनकी ये काफी फेमस है, और इनकी इनकी प्रशंसा अकबर के द्वारा भी की गई थी और महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा भी की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कांगड़ा फोर्ट। तो कांगड़ा फोर्ट लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है धर्मशाला से, जो हेडक्वार्टर कांगड़ा का 1855 ईस्वी में बना था, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ टाउन ऑफ कांगड़ा। तो ये लार्जेस्ट फोर्ट माना जाता है हिमालयस में, अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ये मानते हैं कि ये कंट्री का 8वां सबसे बड़ा किला है, जो लगभग 463 एकड़ में फैला हुआ है, और इसकी स्थापना लगभग आज से लगभग 3500 साल पहले की गई थी, किसके द्वारा, राजा सुशर्मा चंद्र, जिन्होंने महाभारत युद्ध में दुर्योधन का साथ दिया था, और इसी सुशर्मा चंद्र ने महाभारत युद्ध हारने के बाद उन्होंने अपनी अपने जो एक्चुअल में जहां पर रहते थे वहां जाना उचित ना समझ कर उन्होंने पहाड़ों में आकर उन्होंने नगरकोट किले का निर्माण किया था। और कटोच डायनेस्टी की अगर स्थापना की बात करें तो कटोच वंश की स्थापना राजा भूमचंद्र कटोच के द्वारा की गई थी, जो माता पार्वती के पसीने से पैदा हुए थे। तो कटोच डायनेस्टी की स्थापना लगभग 4300 बीसी में हो चुकी थी, और जो हिस्ट्री मानी जाती है कि अंबिका माता जब पार्वती फॉर्म में एक राक्षस से लड़ाई कर रही थी, तो उस समय जो है इस बहुत लंबे समय तक वो लड़ाई चली, तो लड़ाई करते समय उनके शरीर से पसीने की बूंद धरती पर गिरी, और उसी पसीने की बूंद से भूमिचंद का जन्म हुआ, भूमिचंद्र चंद्रवंशी लाइन राजपूत, ठीक है, और जिन्होंने बाद में माता की उसमें हेल्प की उस लड़ाई में राक्षस को हराने में। तो उसके बाद आशीर्वाद फलस्वरूप माता ने त्रिगर्ता राज्य जो है राजा भूमचंद्र कटोच को दे दिया, बिटवीन द रिवर सतलुज ब्यास रावी आरबीएच, जिसे मैंने बताया था तीन नदियों का, क्योंकि त्रिगर्ता प्राइम मीन्स थ्री, तीन नदियों के बीच में था। तो कांगड़ा इज अ पार्ट ऑफ दिस रीजन, एंड जैसे ही महाभारत की लड़ाई में कौरवों को हार मिली, उसके बाद जो शर्मा चंद्र ने, क्योंकि मुल्तान जाना त्रिगर्ता राज्य के जो पुरानी कैपिटल थी वो मुल्तान में थी, तो मुल्तान ना जाकर उन्होंने वो कांगड़ा आए और वहां पर नगरकोट किले का निर्माण किया, और नगर त्रिकर्ता को अपने कब्जे में लिया और वहां पे एक फोर्ट बनाया, ठीक है, और उसी फोर्ट का नाम क्या बना, नगरकोट, भीमनगर भी कहा जाता है उसे और भीमकोट भी कहा जाता है। और मैंने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नगरकोट किसने कहा, भीमकोट किसने कहा और भीमनगर किसने कहा। यह कहा जाता है कि यदि आपने जो रंजीत सिंह गेट है, ठीक है, कांगड़ा किले में, तो यदि आपने उस किले से गेट से गुजरना है तो आप पहले अपना पांव निकालिए, ठीक है,
क्योंकि हो सकता है सर आपने निकाल दिया तो अगला जो दुश्मन बैठा है तो उसने वो आपका सर काट सकता है। ठीक है, ये वर्ड्स किसके द्वारा लिखे गए, कहा गए हैं, कहे गए हैं, ये वर्ड्स कहे गए हैं ग्रैंड फादर ऑफ टीका ऐश्वर्य कटोच, जो प्रेजेंट साइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कटोच डायनेस्टी है उनके हैं। एंड जब उन्होंने इस किले को विजिट किया था उस समय उन्होंने ये कहा था। और ये कहते हैं कि बेसिकली कांगड़ा किले में जो है बहुत गोल्ड, बहुत सोना वहां पे स्टोर था पहले। ठीक है, तो महमूद गजनवी जो उस समय जिन्होंने सबसे पहले जो कांगड़ा किले पर अटैक किया था, जो हम कहते हैं राजा जगदीश चंद्र के समय, तो और मुगल रूलर जहांगीर, महाराजा रणजीत सिंह, तो ब्रिटिशर्स, इन सभी ने जो है इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी। और जो हिंद के राजा और कांगड़ा के राजा और जितने भी जो रिच डिवोटीज ऑफ प्रजेश्वरी माता को जो मानते थे, वो सभी जो है अपना जो खजाना है वो यहाँ, और जो अमूल्य जो जेवरात थे उन्हें वो यहाँ जो है माता प्रजेश्वरी को जो है भेंट करके यहाँ पे सौंपते थे उन्हें इस टेम्पल में। सो ताकि किसी भी लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए वो जो है एक माता से आशीर्वाद लेने के लिए वो ऐसा करते थे। और कहते थे कि ये सोना इतना था कि कोई भी, चाहे कितने मर्जी आप ऊंट अपॉइंट कर दो, तो ऊंट की पीठ पर भी नहीं आ सकता था, ना ही किसी बर्तन में आ सकता था, और ना ही कोई राइटर से रिकॉर्ड कर सकता, और ना ही कोई अर्थमैटिशियन की इमेजिनेशन इसे जो है कंसीव कर सकती थी। ठीक है, और इस किले में बहुत ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस, बहुत अमूल्य जो है पत्थर थे, स्टोन्स, तो ये सभी वहां पे था। और सबसे पहला जो फर्स्ट एनिमी हम कहते हैं कि टू स्टेप इनसाइड द फोर्ट वाज महमूद गजनवी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और वो किसके साथ आए थे, रूलर ऑफ जर्जन के रूलर। ठीक है, और ये मानते हैं कि मोहम्मद गजनवी जब अटैक किया था कांगड़ा फोर्ट को कब्जा करने के लिए, तो बोलते कि उनका अटैक इतना तीव्र था कि जो सेना उस किले की रक्षा कर रही थी, तो इवन उन्हें जब उन्होंने अटैक किया तो मेन जो गेट्स होते हैं किले के, तो वो सिटी वॉल के गेट्स, वो भी वो बंद नहीं कर पाए थे, इतना फास्ट उन्होंने अटैक किया। ठीक है, और कांगड़ा आर्मीज, क्योंकि जगदीश चंद्र जो राजा थे उस समय कांगड़ा के, जब महमूद गजनवी ने अटैक किया, वो किसी अभियान पर थे। ठीक है, वो राजा ऑफ कलूता को हराने के लिए निकले हुए थे, तो मैक्सिमम सेना उनके साथ गई हुई थी, तो वहां पर पीछे कांगड़ा के लिए बहुत कम सेना थी, तो इस वजह से गजनवी की सेना ने जो है तुरंत ही जो है कांगड़ा के किले पर उन्हें कब्जा कर दिया था। जैसे ही गजनवी की सेना ने मेन टाउन में एंटर किया, तो उसके बाद उन्होंने जो सेना के कमांडर थे उसे एक तरह से ब्लैकमेल किया, क्योंकि सिटीजन्स की लाइफ को वो, उन्होंने ये कहा कि यदि तुम हमें अंदर नहीं जाने दोगे तो हम इन्हें जो है मार देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फोर्ट जो है हैंड ओवर किया गया सुल्तान को, और सुल्तान ने जैसे ही कांगड़ा किले पर उसका कब्जा होगा, उसके बाद जितने भी वहां पे रहने वाले जो लोग थे उन सभी को उन्होंने मार दिया। और इसमें अबू नासिर अहमद बिन मोहम्मद फरीगुनी जो रूलर ऑफ जजन थे, ठीक है, अल्तुनतुश जो चीफ चैंपलियंस थे मोहम्मद गजनवी के, अल्तुनतुश और अशिक तिगिन, तो ये भी कांगड़ा किले में मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे। तो इन दोनों को ही इंचार्ज बनाया गया गोल्ड और सिल्वर का, और उसके बाद जो जितने भी आभूषण ज्वेल्स थे उस सभी का इंचार्ज सुल्तान ने अपने पास रखा। और 1619 में मुगल आर्मी ने भी इस किले पर कब्जा किया, ठीक है, लगभग 14 मंथ्स तक, और उससे पहले भी मुगलों ने लगभग 52 पर उसमें वो सफल नहीं रहते, इतने अटेम्प्ट उन्होंने पहले भी किए थे 1615 के बाद, अकबर के समय से शुरू हो गया था। और फाइनली फिर 16 नवंबर 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले पर कब्जा हुआ जहांगीर का, और जिसकी सूचना उन्हें मिली 20 नवंबर 1620 ईस्वी को, और 1622 ईस्वी में वो खुद फिर कांगड़ा आए थे, ठीक है, अपने वाइफ नूरजहां के साथ। और उसी समय जो नूरपुर का धमेरी था पहले, तो धमेरी का नाम क्या रखा गया था, नूरपुर, किसके नाम पर, जहांगीर की वाइफ नूरजहां के नाम पर। 1758 ईस्वी में, जैसा हमने पहले भी देखा कि जब अहमद शाह दुरानी का आक्रमण हुआ था मुगलों के ऊपर, तो उस समय घमंडचंद ने फायदा उठाया, तो कांगड़ा किले को छोड़कर बाकी अन्य क्षेत्रों पर उसका कब्जा हुआ था, और संसारचंद के ग्रैंडफादर थे घमंडचंद, तो और उन्हें फिर निजाम घोषित किया गया था, जलंधर का निजाम अपॉइंट किया गया था अहमद शाह दुरानी के द्वारा। उसके बाद फिर जब महाराजा संसारचंद राजा बने, तो वो एक बहुत पावरफुल राजा थे, तो उसके बाद उन्होंने जैसे कि एक साथ पहले डील की कि जब उन्होंने 1786 ईस्वी की बात है कि एक्सचेंज जितने भी प्लेन में जो कांगड़ा संसारचंद के अंडर जो इलाके थे वो सभी उन्होंने जैसे कन्हैया को दे दिया, और जैसे कन्हैया ने बाद में कांगड़ा और कांगड़ा क्षेत्र और सारा जो कांगड़ा फोर्ट है वो किसे सौंप दिया था, महाराजा संसारचंद को।
तो इसके बाद ही संसार चंद ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्य चंबा, कहलूर, मंडी, सिरमौर और इन रियासतों पर उन्होंने अपना जो है कब्जा किया, आक्रमण किया। तो जितने भी ये सभी जिन जिन राजाओं को संसार चंद ने हराया था, इन सभी राजाओं ने अमर सिंह थापा को निमंत्रण भेजा और उसके बाद अमर सिंह थापा आए और उन्होंने महलमुरी जगह पर संसार चंद को हराया था। और उसके बाद फिर गुरखा आर्मी ने एंटर किया था फोर्ट में 1806 ईस्वी में, लेकिन पूरी तरह से फोर्ट को अपने कब्जे में नहीं कर पाए थे। 1806 से 1809 तक उन्होंने जो है घेरा डाल के रखा। उसके बाद फिर अलायंस किया था संसार चंद ने किसके साथ, महाराजा रणजीत सिंह के साथ, ठीक है, जुलाई में, 20 जुलाई 1809 में ज्वालामुखी संधि हुई थी। फिर अगस्त में महाराजा रणजीत सिंह की फोर्सेज ने अटैक किया था गुरखस के ऊपर और फिर गुरखस को हरा दिया था। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग संसार चंद को संधाता जो जिला है और 66 गांव है और कांगड़ा फोर्ट के साथ, ये सभी जो है लाहौर दरबार को देने पड़े थे। और उसके बाद फिर जैसे ही जो 1846 में जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सिखों को हरा दिया, तो उसके बाद फोर्ट फिर अंग्रेजों के अधीन आ गया। और आजादी मिलने के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे रिटर्न कर दिया किले को, किसे, महाराजा जयचंद्रा को, जो अंडर में एक मैनेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जो एक राष्ट्रीय महत्व था, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का था, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस था। तो उसके बाद कि एट प्रेजेंट जो वर्तमान में जो कांगड़ा किले के कौन कौन से पार्ट है जो कांगड़ा जो कटोच फैमिलीज के अंडर हैं, वो है टेंपल्स और कुछ जो महल के जो कोर्टयार्ड हैं, आंगन है, वो उनके पास हैं। और कटोच राजा के आगे जो वंशज हैं, उनके वंशज जो अभी भी वो जो है यहाँ पर माता की पूजा करने के लिए आते हैं, अंबिका देवी जो है, ठीक है, उसके बाद और क्योंकि माता अंबिका देवी का जो स्टैचू है, आइडल मूर्ति है, वो अभी भी कांगड़ा किले में ही है, जिसकी पूजा कटोच वंश के वंशज करते हैं अभी भी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मेले और त्योहारों के कांगड़ा के। तो कांगड़ा में नागिनी मेला मनाया जाता है, कहां पर लगता है, नूरपुर में, और मेला शाह अब्दुल रहमान लगता है नूरपुर में, बाबा दयागीर मेला सुजान भारती मेला और चंबा मेला ये लगते हैं पालमपुर में, और ज्वाली मेला भी लगता है कांगड़ा में धर्मशाला की बात करें तो 1849 ईस्वी में ये एस्टेब्लिश हुआ था एज कैंटोनमेंट, और उसके बाद 1855 ईस्वी में ये हेडक्वार्टर बना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, क्योंकि कांगड़ा ऑलरेडी 1846 में, मैं जैसा कि मैंने कहा, ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका था अंडर जो है जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था इसे, और उस समय लाहौल स्पीति और कांगड़ा भी इसी के ही पार थे। और धर्मशाला लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है पठानकोट से, और सेकंड लार्जेस्ट रेनफॉल होता है धर्मशाला में भारत में आफ्टर जो मेघालय में जो मौसम ड्राम के बाद, हिमाचल प्रदेश का सबसे जो वेट एरिया है, जो जहां पे सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, वो धर्मशाला ही है, ये भी आपको याद रखना है और सभी को पता भी होगा। चमुंडा टेम्पल 25 किलोमीटर की दूरी पर है कांगड़ा से, और ये एक फेमस शक्तिपीठ भी है और चमुंडा माँ के नाम से इसे जाना जाता है, चमुंडा टेम्पल, और बनेर खड के किनारे पर है ये। और चमुंडा माता को ही माता दुर्गा का ही एक चंडी रूप माना जाता है, और चंडी माता ने जो है चंडा और मुंडा नामक दो राक्षसों का वध किया था। और उसके बाद गॉडेस चंडी को ही जो है चमुंडा माँ के रूप में जो है पूजा जाता है। बैजनाथ हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो 56 किलोमीटर दूरी पर है कांगड़ा से और मंडी पठानकोट रोड, और 16 किलोमीटर है ये पालमपुर से। तो यहाँ पर ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल है, ठीक है, जो पहले पांडवस के द्वारा बनाया गया, उसके बाद 1204 ईस्वी में इसे जो है मनुका और आयुका के द्वारा दो व्यापारी जो भाई थे उनके द्वारा बनाया गया था। और पूरे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है बैजनाथ, और इसी बैजनाथ के पास बिलिंग वैली भी है, जो जो बीड़ बिलिंग हम कहते हैं, फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग, ठीक है। कुणाल पथरी एक लोकल जो है स्थानीय देवी का पत्थर से बना हुआ मंदिर है, यहाँ पे कुणाल पथरी कहा जाता है इसे, ठीक है। डल लेक धर्मकोट मैक्लोडगंज के बीच में जो सेंट जॉन चर्च है, जहां पर 1863 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन की जब चौंतला वैली में मृत्यु हो गई थी तो उन्हें यहां पे दफनाया गया था। योल कैंप भी है, YOL, यंग ऑफिसर्स ऑन लीव कैंप, एंड संदीपनी वन आश्रम भी है, जो चिन्मय स्वामी से संबंधित है, जो एक जो है योगी थे जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। वॉर म्यूजियम भी कांगड़ा में है, जो 1974 से लेकर 1978 तक बना, ये धर्मशाला में है। और विंटर सेशन जो लेजिस्लेटिव असेंबली का लगता है विधानसभा का, तो ये 2007 से शुरू हुआ था, कहां पे, तपोवन जो संदीपनी आश्रम में बात की, ठीक है, तपोवन जिसका और तपोवन का ही संबंध किससे है, चिन्मय स्वामी से भी है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला में है, और धर्मशाला को ही लिटिल तिब्बत भी और लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है।
यहाँ पर एनुअली जो है 340 सेंटीमीटर बारिश होती है और मौसिनराम के बाद ये सेकंड नंबर है पूरे भारत में। और यहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल भी है धर्मशाला में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी है देहरा में और दूसरा जंदरी में है, ठीक है। और मैक्लोडगंज की बात करें तो मैक्लोडगंज का नामकरण होता सर डी मैक्लोड के नाम पर, जो जो है पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे प्रोविंस के, ठीक है। और दलाई लामा भी धर्मशाला आए थे 1000 रेफ्यूजीज के साथ, कब, 1959 ईस्वी में। और धर्मशाला में लगभग 1500 साल पुराना पद्म समूह का आइडल भी है। और टिप्पा भी है यहाँ पे, टिप्पा मीन्स तिब्बतन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। और यही यहाँ पे जो एक सालाना, जो साल में एक बार मनाया जाता है, ओपरा फेस्टिवल शोटोहू, उसका जो है आयोजन करता है। ये भी आपको याद रखना है, शोटोहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, कहाँ पे, धर्मशाला में, ठीक है, बाय द टिप्पा इंस्टीट्यूट। तो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स जो मॉनेस्ट्रीज में लगी होती है उन्हें थांकास कहा जाता है, जैसे कि लाहौल स्पीति की मॉनेस्ट्रीज में वो ज्यादा है। और यहाँ पे नोरबू लिंग का इंस्टीट्यूट भी है जो तिब्बतन आर्ट को प्रिजर्व करने का काम करता है। कांगड़ा के नूरपुर में गंगा टेम्पल भी है, और ज्वालामुखी टेम्पल में अकबर के द्वारा सोने का छत्र चढ़ाया गया था, जो बाद में जो है काला सोने से बदलकर वो काला हो गया था, ब्लैक रंग में बदल गया था। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है, पालमपुर में है, 1 नवंबर 1978 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको पता है पहले भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं शुरुआती चैप्टर्स में, यूनिवर्सिटीज में आप इसे डिटेल में देखें। आयुर्वेदिक कॉलेज कहां पर है, पपरोला में, ये भी 1978 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था। नवोदय स्कूल कहां है, पपरोला में, 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। शोभा सिंह आर्ट म्यूजियम, आर्ट गैलरी जो है वो कहां पर है, अंद्रेटा में है। और फेमस बुक्स कांगड़ा की कौन कौन सी है, कांगड़ा पेंटिंग्स जो लिखी गई है एमएस रंधावा के द्वारा, और संसार चंद कांगड़ा किसके द्वारा लिखी गई है, जेसी फ्रेंच के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ फेमस प्लेसेस कांगड़ा में। तो शक्तिपीठ ज्वालाजी ब्रजेश्वरी माता के टेम्पल की बात करते हैं, तो ये टेम्पल महाभारत समय में पांडवों के द्वारा बनाया गया था। ऐसी मान्यता है कि पांडवों के स्वप्न में माता ने कहा था कि मैं नगरकोटिया विलेज में रहती हूं, तो यदि आप यदि पांडव ये चाहते हैं कि उनके जो आइडेंटिटी है वो किसी को पता न चले, तो मेरे लिए वो मंदिर बनाए। तो ऐसा कहने पर, माता के कहने पर ही पांडवों ने उसी सेम नाइट में जो है माता के लिए नगरकोट गांव में मंदिर बनाया। और इसी मंदिर को ही बहुत बार जो है लूटा गया मुस्लिम इन्वेडर्स के द्वारा, इसी को ही महमूद गजनवी ने भी लूटा था, तो एटलीस्ट 5 times कहते हैं। और इन द पास्ट ये मानते हैं कि पहले समय में ब्रजेश्वरी माता के मंदिर में जो है बहुत टनों में जो है यहाँ पे सोना था, और जो है बहुत बड़े बड़े यहाँ पे घंटे भी थे जो चांदी से बने हुए थे। और 1905 ईस्वी के भूकंप ने इस मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा इसे रीबिल्ड किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अक्षरकुंड। तो अक्षरकुंड में के पास एक हिंदू मंदिर भी है, और वहां पर एक वाटरफॉल भी है, और यूजली यहां पे सिर्फ महिलाएं जाती हैं जो बेबी की कामना के लिए जाती है, ठीक है, जिनको पुत्र प्राप्ति के लिए। और उसके बाद ये माना जाते हैं कि जब वो वापस आती है तो कोई भी उन्हें रास्ते मिले तो उनसे दूर भागने की कोशिश करता है, ये मान्यता है। ज्वालाजी तो कांगड़ा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, ज्वालाजी भी एक शक्तिपीठ है, और यहां पर नवरात्रों के समय में जो है यहां पर 2 बार जो है मेला लगता है। और यहां पर माता का ना तो कोई आइडल है और ना ही कोई मूर्ति है, यहां पर सिर्फ एक फ्लेम ज्वाला की ही जो अंडरग्राउंड निकलती है उसकी पूजा की जाती है। और ज्वालामुखी मंदिर एक फेमस शक्तिपीठ भी है, और यहां पर ही सती माता की जीभ गिरी हुई मानी जाती है, ठीक है। और ज्वालामुखी में ही गैस और पेट्रोलियम भी डिस्कवर यहां पे किया गया है। और पुराने समय में ये कहा जाता है कि जब हिमालय पर राक्षसों का तांडव हो रहा था तो उस समय, और उन्होंने देवताओं को काफी परेशान किया, तो उसके बाद लॉर्ड विष्णु जो है सभी देवताओं को लेकर वो सभी देवताओं आपस में मिलकर भगवान विष्णु के साथ उन्होंने जो है एक पॉइंट पे जो है उन्होंने अपनी सारी शक्ति का जो है फोकस किया, और वहां से फिर एक बहुत विशाल का जो है ज्वाला पैदा हुई ग्राउंड से, और उसी ज्वाला से फिर एक लड़की भी पैदा हुई, ठीक है, और उसी को फिर आदिशक्ति का नाम दिया गया, जो फर्स्ट शक्ति नोन एज सती माता का जन्म हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इसी आदिशक्ति का जो जन्म है वो प्रजापति दक्ष के घर में हुआ, और वहीं पर उनका जो है वो बड़ी हुई, और उसके बाद वे लॉर्ड शिवा की पत्नी बनी। तो एक बार लॉर्ड शिवा की इंसल्ट की गई थी पार्वती के पिताजी के द्वारा, और उसके बाद ये वो सह नहीं कर सकी, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। तो इसे देखकर भगवान शिव ने उनकी जो बॉडी को उठाकर जो है वो जो है तांडव करने लगे। तो इस तरह से पूरा जो त्रिलोक है, तीनों लोक जो है बहुत वहां पे हाकार मच गया। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर लॉर्ड विष्णु से अपील की, और उसके बाद लॉर्ड विष्णु जो है एक
जो अपने चक्र से माता सती का जो है शरीर को जो है 51 भागों में काट दिया, और जहां जहां ये 51 भाग उनके घिरे उनके बॉडी के, तो वो शक्तिपीठ बन गई। ठीक है, जिस तरह से जीभ कहां गिरी थी, ज्वाला जी में। तो और ये भी कहा जाता है कि ज्वालामुखी जो जो ज्वालामुखी माता में जो है ज्योत की पूजा की जाती है, और यहाँ पर एक बहुत पुरानी चट्टान से एक छोटे से जो भाग से जो है ज्वाला बाहर आती है और इसी की पूजा की जाती है। अंद्रेटा, तो अंद्रेटा का बेसिकली ये 18 किलोमीटर है पालमपुर से, और अंद्रेटा से ही संबंध है हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार कलाकार शोभा सिंह का, और इसी अंद्रेटा से संबंध है नौरा रिचर्ड का, जो एक ड्रामेटिस्ट और महात्मा गांधी की शिष्य थी। और सरदार शोभा सिंह का भी संबंध इसी प्लेस से है। सरदार शोभा सिंह की कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स की अगर बात करें तो हीर रांझा है उनमें, सबसे जो सोनी माहिवाल जो उनके सबसे प्रसिद्ध काम है। तो लोग यहाँ पे दूर दूर से शोभा सिंह आर्ट गैलरी को देखने आते हैं, और शोभा सिंह ही 20वीं शताब्दी के ये सबसे महान जो कलाकार थे हिमाचल प्रदेश से, जिनका जन्म हुआ था 29 नवंबर 1901 में श्री हरगोविंदपुर में, गुरदासपुर में, तो जो पंजाब में है। और इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, और एज ए ड्राफ्ट्समैन उसमें उन्होंने काम किया, और उसके बाद उन्होंने जो है इराक में बहुत सी जगह पर उनकी पोस्टिंग हुई, और इन्होंने ही यूरोपियन पेंटिंग्स को स्टडी किया और उनसे इंस्पिरेशन लेकर जो है, और इंग्लिश पेंटर्स के वर्क से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने जो है इसमें काम करना शुरू किया। तो आपको आपसे ये पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे कलाकार हैं जो आर्टिस्ट है पेंटर हैं जो पहले उन्हें जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में बतौर ड्राफ्ट्समैन की के रूप में जो है सेवा दी, तो आपका आंसर होगा सरदार शोभा सिंह। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शोभा सिंह तो सभी को पता होगा। ठीक है, तो 1903 में उन्होंने आर्मी को छोड़ दिया, और उसके बाद वे अमृतसर आ गए, और वहां पर उन्होंने अपना ही एक आर्ट एंड स्टूडियो खोला। और उसके बाद जैसे ही पार्टीशन हुआ 1947 में, तो उन्हें जो है मजबूरन जो है लाहौर को छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वे भारत आ गए। भारत में आकर उन्होंने वो कहां आए, वो अंद्रेटा आए, और जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल विलेज है इन द लैप ऑफ हिमालय, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक बहुत सुंदर गांव, और यहां पर वे अपने अंतिम सांस तक वो यहीं पर रहे, और लगभग 38 इयर्स तक वो अंद्रेटा में रहे, और इस और 38 इयर्स के समय पीरियड में उन्होंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई, और उनका जो मेन फोकस था वो सिख गुरुओं पे था, उनकी लाइफ और उनके वर्क के ऊपर था। उन्होंने ही पेंट किया सबसे पहले सोनी माहिवाल, जो मोस्ट पॉपुलर लव लीजेंड ऑफ पंजाब है, तो फर्स्ट टाइम 1937 में हुआ, और इन्होंने ही काम किया जो अदर लव टेल्स ऑफ पंजाब के ऊपर भी, हीर रांझा, जैसे कि हीर रांझा है, शशि पूनन है, शिरीन फराद है, मिर्जा साहिबान है, तो ये सभी उनके कुछ अदर पेंटिंग्स हैं, और कुछ और फैंटेस्टिक क्रिएशंस भी है, कुछ और उनके अद्भुत कार्य भी हैं, जिसमें पोर्ट्रेट ऑफ फेमस पोइट उमर खयाम भी है। ठीक है, और सरदार शोभा सिंह ने ही एक सीरीज ऑफ राइड्स भी पेंटिंग उन्होंने की, जो रिप्रेजेंट करते हैं फोक्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, और उन्हीं में से एक था जो सबसे ज्यादा पसंद किया गया उनका काम है, हर ग्रेस द गदन की पेंटिंग जो थी, और इन्हें कोई सब बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें सम्मान भी दिया, और इनको ही पद्मश्री भी हिमाचल प्रदेश से मिला इन्हें। ठीक है, पेंटर और इन्हें पेंटर ऑफ द पीपल कहा जाता था, और 1986 में चंडीगढ़ में इनकी मृत्यु होगी, और उसके बाद इनके जो कुछ महत्वपूर्ण काम है पेंटिंग्स है वो अंद्रेटा आर्ट गैलरी में है, जिनमें से मुख्यतः है सोनी माहिवाल, ठीक है, सोनी इन हेवन, हीर रांझा, कांगड़ा ब्राइड, हरगिज़ द गदन, लास्ट डिजायर ऑफ मुमताज महल, उमर खयाम, पहाड़ी ब्राइड, पंजाबी ब्राइड, सिस्टर्स ऑफ स्पिनिंग व्हील, ठीक है, ये भी इन्होंने बनाई है, पैलेस ऑफ भूटान भी इन्होंने बनाया है। ठीक है, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह विद हॉर्स और बाज, जो उनका बाज है उसके साथ उन्हें दिखाया गया है, शहीद आजम भगत सिंह की पेंटिंग भी इन्होंने बनाई, भगवान राम, लॉर्ड कृष्णा एटसेट्रा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पालमपुर। पालमपुर लगभग 1219 मीटर की ऊंचाई पर है, 40 किलोमीटर दूर है ये धर्मशाला से, और पालमपुर में ही सेंट्रल जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का कॉम्प्लेक्स है वो पालमपुर में है। नूरपुर की यदि हम बात करें, इतिहास हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं नूरपुर रियासत का, तो नूरपुर लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर है धर्मशाला से, और 24 किलोमीटर ये पठानकोट सब डिवीजन से है, और 24 किलोमीटर पठानकोट से और सब डिवीजन हेडक्वार्टर है, और नूरपुर में ही ब्रजराज मंदिर है जहां पर लॉर्ड कृष्णा की जो काले पत्थर की बनी हुई मूर्ति है वो वहां पर, जिसकी पूजा मीराबाई के द्वारा की गई थी, वो लोकेटेड है। और नूरपुर से 4 किलोमीटर दूरी पर जसूर इंडस्ट्रियल टाउन भी है, और एट ज्वाली और राजा का बाग नूरपुर, यहां पर हैंडक्राफ्ट फैक्ट्रीज हैं और जिसमें जो है टेक्सटाइल वर्क जो है वो कैरियड आउट किया जाता है, एंड गंगत कांगड़ा के गंगत में ब्रोंज वेसल्स बनाए जाते हैं,
और गंगत को ही छोटा मुरादापुर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल मसरूर रॉक का टेम्पल्स जो 40 किलोमीटर है धर्मशाला से। ये टेम्पल लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी में बनाए गए थे और टेम्पल कॉम्प्लेक्स सबसे पहले इसे रिपोर्ट किया गया था हेनरी शटलवर्थ के द्वारा, डिस्कवर किया गया था 1913 में। और उसके बाद और इंडिपेंडेंटली इसका सर्वे किया गया इस साइट का हरोल्ड हार्गीव्स के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया में जो थे 1915 ईस्वी में। और ये जो है नगरा स्टाइल में इसे डिजाइन किया गया था, बिल्ड किया गया था और 8th सेंचुरी में। और मसरूर रॉक का टेम्पल को ग्रुप ऑफ 15 श्राइन ग्रुप कहा जाता है, टेम्पल ऑफ 15 श्राइन ग्रुप्स, जिसमें ठाकुर द्वारा मेन है। और इसमें जो मेन मूर्तियां हैं इस टेम्पल में वो है राम, लक्ष्मण और सीता माता की। और बट ऑरिजिनली अगर यदि हम देखें तो ये जो है भगवान शिव को समर्पित था और इसी को ही हिमाचल प्रदेश का एलोरा भी कहा जाता है। और इसमें अर्ध मंडप है, जगमोन जो ऑडियंस टेम्पल कहा जाता है, गर्भगृह है, टोटल हाइट है 80 फीट और जगमोन पिलर्स की हाइट देखें तो 20 फीट ऊंचे हैं वो। और 3 इसमें एंट्रेंसेज हैं, ठीक है, कौन कौन साइड से, नॉर्थ ईस्ट साइड से, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड से, ठीक है। और 2 इनमें से इनकम्प्लीट है और जो एक एंटायर कॉम्प्लेक्स का जो एक लेआउट है वो सिमेट्रिकली है, स्क्वेयर ग्रिड पे इसे लेआउट किया गया है, ठीक है। और ये मानते हैं कि जो मेन टेम्पल है वो इट इज सराउंडेड बाय स्मॉलर टेम्पल, छोटे छोटे आप पिक्चर में देख सकते हैं। और वो जो पैटर्न है सराउंडिंग वाला, ठीक है, जिसमें मेन टेम्पल को सराउंड किया गया चारों से, मंडला पैटर्न में है ये। और जो टेम्पल का मेन आर्किटेक्चर दैट इज नगड़ा आर्किटेक्चर है ये, और जो मुख्यतः सेंट्रल इंडिया में डेवलप हुआ था और ड्यूरिंग जो यशोवर्मन राजा थे, हिंदू राजा, उनके समय का ये आर्ट है नगरा डिजाइन जो, और ये इन्होंने कला को बहुत प्रोत्साहित भी किया था। तो ऐसा माना जाता है कि जब पांडव आए थे तो अज्ञातवास के समय वो यहां पर रुके थे और उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया। लेकिन पांडवों का जो आइडेंटिटी थी और लोकेशन थी वो एक्सपोज होगी, तो इसलिए जब उन्होंने इस मंदिर की वो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, जो आधी अधूरी जो कंस्ट्रक्शन है दो एंट्रेंसेस की, तो इस वजह से वो अधूरी रह गई थी। और इसलिए माना जाता है कि ये जो आधा जिसका जो अर्ध निर्माण में जो एक कॉम्प्लेक्स छूट गया था तो इसी वजह से हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बीड बिलिंग। तो बीड बिलिंग एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसमें जो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है, एंड इट्स कॉल्ड द पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। और इको टूरिज्म सेंटर भी है। और जो बिलिंग साइट है, बिलिंग इज द साइट फ्रॉम वेयर पैराग्लाइडिंग टेक्स प्लेस, ठीक है। और बीड जो साइट है वो लैंडिंग साइट है, इसलिए बीड बिलिंग कहा जाता है। तो इतिहास हम देखें तो बीड का इतिहास देखें तो बीड बेसिकली पाल डायनेस्टी यहां पर राज करती थी, जो चंद्रवशी जो लाइन है राजपूत की उससे संबंधित थी। और लास्ट राजा यहां के थे रायजादा पृथ्वीपाल, और जो राजा बंगाल के ही राजा के वंशज थे। तो राजा पृथ्वीपाल को मारा था उनके ही फादर इन लॉ राजा सिद्धसेन, जो मंडी के ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1720 ईस्वी में जब उन्हें मंडी बुलाया गया था। और उन्हें ये कहने पर मंडी बुलाया गया था कि सुकेत के राजा को हराने के लिए मंडी जो रियासत है उसे मदद चाहिए बंगाल राज्य की। लेकिन वहां पर उन्हें जो बड़े अच्छे से उन्हें रिसीव किया गया, तो एक महीने के अंदर ही अंदर जो है उन्हें जो है मार दिया गया था सिद्धसेन के द्वारा, कहां पर, दमदमा महल में। तो वहां पर उनका मर्डर किया गया था राजा सिद्धसेन के द्वारा। और ये भी कहा जाता है कि उनकी जो बॉडी है उसे जलाया गया था, लेकिन उनके जो सिर है उसे बरे किया गया था एक टैंक में, और जो फेस करता था मंडी के राजा के महल को, ठीक है। और इसी राजा की याद में एक पिल्लर भी वहां पे इरेक्ट किया गया उस स्पॉट पे, और उस पर जो है लाइट हमेशा जलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, रखी गई बहुत सालों तक। और क्योंकि मेन जो ऑब्जेक्टिव था सिद्धसेन का राजा पृथ्वीपाल को मारने का, वो ये था कि जो बंगाल एरिया है उसे जो है वो मंडी रियासत में मिला सके, ठीक है। लेकिन उसमें वो पार्शियली सक्सेस हुए क्योंकि पृथ्वीपाल की जो बहन थी उनकी शादी कुल्लू के राजा मानसिंह के साथ हुई। तो जैसे सिद्धसेन पृथ्वीपाल को मारने के बाद सिद्धसेन ने अटैक किया बंगाल के ऊपर, तो कुल्लू के राजा मानसिंह ने उनकी हेल्प की और इस तरह से मंडी सेनाओं को जो है हार का सामना करना पड़ा। जो किले जगापुर टिक्का थाना के किले और 18 जो गांव थे इलाका जौहर के, और तो ये सभी जो है इन सभी को जो है अटेम्प्ट किया जो है सिद्धसेन ने, उस पर आक्रमण किया। और उन्होंने करणपुर को भी अपने कब्जे में करना चाहा, लेकिन करणपुर क्योंकि वो बंगाल का पार्ट था, ये सारे इलाके बंगाल के ही पार्ट थे, लेकिन उसमें उन्होंने सक्सेसफुल नहीं हुए राजा सिद्धसेन। क्यों? क्योंकि राजा रघुनाथ पाल जो अपने पिता पृथ्वीपाल की मृत्यु के बाद राजा बने, क्योंकि उन्होंने हेल्प ली थी कुल्लू के राजा मानसिंह की, ठीक है। तो सेकंड, लेकिन उसके बाद फिर से आक्रमण किया दूसरी बार सिद्धसेन ने, तो लेकिन उस समय जो है उन्होंने वो काफी अंदर तक चले गए थे और कोठारली गुल्लू जो फोर्ट्स है, और उसके बाद बंगाल पहुंचे, ठीक है।
तो काफी उन्होंने जो है अटैक किया, और लेकिन फिर रघुनाथ पाल ने जो है किसकी हेल्प ली, अगले राजा ठेडी सिंह ऑफ कुल्लू, ठीक है, कुल्लू के राजा ठेडी सिंह की हेल्प ली, और उसमें फिर से सिद्धसेन की सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा और काफी लॉस भी हुआ उन्हें। लेकिन उसके बाद फिर रघुनाथ पाल की जैसे ही मृत्यु हुई 1749 ईस्वी में, तो उसके बाद उनका बेटा आगे दलीप पाल राजा बना, दलीप पाल भी और दलील पाल भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसका शासनकाल शुरू हुआ, तो उस समय भी जो है फिर जो मंडी कुल्लू कहलू नालागढ़ गुले जसवां इन सभी रियासतों के राजाओं ने जो है कंबाइंड सेना इनकी जो है इकट्ठे मिलकर जो है बंगाल पर आक्रमण किया, उसके बाद उसे तहस महस कर दिया। तो इस तरह से लगभग 1750 तक बंगाल का जो अस्तित्व है वो खत्म हो चुका था, और जितने बंगाल के जीते हुए क्षेत्र थे वो सभी इन रियासतों ने अपने 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 जो है राजाओं ने अपनी रियासतों में मिला दिए। तो इन सभी रियासतों की जो कंबाइन फोर्सेस थी, तो उन्होंने सबसे पहले कहां पे टीका चंगर में उन्हें अटैक किया, उसके बाद उन्होंने राजा और उसके भाई मियां भीमपाल को जो है कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में फिर कुछ समय बाद जैसे जो उसके बाद राजा की मृत्यु के बाद दलीप पाल की जब मृत्यु हुई, जो कब बने थे राजा देख लीजिए, जो रघुनाथ के पाल के बाद राजा बने थे, ठीक है। तो दलीप पाल जैसे ही उनकी मौत होगी उसके बाद कुल्लू ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया, और उसके बाद मानपाल यहाँ पे राजा बने। तो मानपाल अंतिम राजा माने जाते हैं बंगाल के, और ये कभी एक बार दिल्ली की ओर जा रहे तो रास्ते में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सब होने के बाद मानपाल की मृत्यु के बाद कांगड़ा और गुलेर राजा ने इसका फायदा उठाया, और मानपाल के एब्सेंस में जो है पूरे के पूरे जो विलेजेस और लैंड्स हैं बंगाल राज्य की, वो सारे के सारे उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में। नवीन सरीन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पालमपुर के निवासी हैं ये, इन्हीं को ही हिमाचल प्रदेश में जो है हैंग ग्लाइडिंग को लाने का श्रेय दिया जाता है। बीर जो 14 किलोमीटर दूर है बिलिंग से, और सेकंड हाईएस्ट स्पॉट है वर्ल्ड में पैराग्लाइडिंग के लिए। तो सबसे पहले बीर बिलिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी, एक यंग गर्ल जो दिल्ली से थी, मिस दीपक महाजन के द्वारा की गई थी। उसके बाद फिर इजरायली टूरिस्ट और फॉरेस्ट विंग ऑफ हिमाचल प्रदेश ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया था 1978 में, और 1984 में सबसे पहला इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे जो है पहचान मिली, जब मिस्टर एक्स बोरेमोन ने जो फ्रांस से थे यहां से उन्होंने उड़ान भरी, लगभग 130.9 किलोमीटर लॉन्ग उड़ान भरी, और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो 1984 में इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला, और 2002 में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा एक प्री वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ पे, ताकि जितने भी ये पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स है इसे जो है बढ़ावा मिले, ठीक है। और यदि हम ये था बीड बिलिंग का, और यदि हम बात करें तो जस्टिस मेयरचंद महाजन जो हिमाचल प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे 1954 में, तो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, लुकिंग बैक, तो ये भी आपको याद रखना है। सो गाइस, दिस वाज द डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जो हमने तीन पार्ट में कवर किया, पार्ट 1, 2 एंड 3, एंड आई होप कि आपको तीनों पार्ट इसके अच्छे लगे होंगे। तो आप यदि आपको कंटेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ कांगड़ा का अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर करें, और अपने व्यूज आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी या कोई भी जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी हम डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।